आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, बिहार का नंबर वन डिजिटल चैनल। नमस्कार, मैं हूं तरनुम और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब डिजिटल चैनल पे। फिलहाल हम बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर ले, क्योंकि हम जो आपके लिए अपडेट्स लाते हैं उससे आप कहीं पीछे ना रह जाएं। फिलहाल बिहार में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए 8 सीटों पर 19 मन हैं। इस चरण पे पटना साहिब लोकसभा सीट पर बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा अपनी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए जोर लगा रहे हैं। इसके चुनाव प्रचार की कमान उनकी पत्नी पूनम सिन्हा संभाल चुकी हैं। बेटे कुश पहले ही सक्रिय हैं, नहीं दिख रही हैं तो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी के पिता के चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होने को लेकर पहली बार पूनम सिन्हा ने अपनी बात रखी है। विवादित हो रहे कि पटना साहिब सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के रविशंकर प्रसाद से है। बता दें कि 2 लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से भाजपा प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज कर चुके हैं। इस बार वो कांग्रेस में अपना दाल ठोक रहे हैं। मां ने सोनाक्षी के नहीं आने पर बताया है कारण। जी हां, बता दें बेटी सोनाक्षी सिन्हा के चुनाव प्रचार के लेकर पटना में नहीं आने को लेकर पूनम सिन्हा ने कहा कि शायद शत्रुघ्न सिन्हा को ये लगता है कि वो बेटी के प्रचार के लिए बिना ही पटना साहिब जीतने का हैट्रिक लगा सकते हैं। हालांकि पूनम सिन्हा ने दबंग 3 के शूटिंग में लगी हैं। पूनम सिन्हा ने दावा किया है कि शत्रुघ्न सिन्हा की जीत तय है, उन्हें पटना साहिब के लोग प्यार करते हैं और पहले की तरह ही उन्हें प्यार करते हैं और इस बार फिर से अपनी बहुमत से उन्हें जिताएंगे। सभा हो रही है कि कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा के लिए प्रचार को लेकर पूनम सिन्हा ने कहा है कि वो प्रत्याशी नहीं है, पत्नी के रूप में पहुंची है। यहाँ वो पत्नी धर्म निभा रही है, उन्हें अपने छोटे बेटे कुश सिन्हा की राजनीति के आने का संकेत भी दिया। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के लखनऊ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है। लखनऊ में मतदान के बाद पूनम सिन्हा अब पति के चुनाव प्रचार में लगकर पटना पहुंच गई है। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा भी लखनऊ में पूनम सिन्हा के चुनाव प्रचार में गए थे। यूपी में सभा और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में दोनों एक दूसरे के पार्टी के लाइन से हटकर चुनाव प्रचार की तरह कमान संभाल ली है। खबर इतनी ही, हम फिर से मिलेंगे। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो दावा पूनम सिन्हा अपने पति शत्रुघ्न सिन्हा के लिए ठोक रही है कि वो इस बार फिर से जीत जाएंगे, तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये दावा सच होता है कि ये दावा बस एक बयानबाजी जाता है। तो हमारे साथ देखते रहिए न्यूज बिहार, और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और अपने विचार हम तक जरूर भेजें। देखते रहिए न्यूज बिहार तरनुम के साथ। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।